विवेक शर्मा जी, जैसे अब लॉकडाउन हट चुका है, आप लोग फ्री चल रहा है एक किस्म से, और अब भी जैसे दिल्ली में काफ़ी केस बढ़ रहे, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा। उसके अलावा कि अगर हमें पता है, बिना मतलब भी मैं देख रहा हूँ एक बाइक पे चार चार लोग बिना मतलब कार लेकर के या बिना मतलब सड़कों पे घूमना, ये पुलिस हमारे पास, दिल्ली पुलिस कितनी है, दिल्ली पुलिस हमारे पास लिमिटेड है, थाने लिमिटेड हैं, उसके अलावा सिविल डिफेंस के जवान, होमगार्ड के जवान भी पूरी तन मन धन से काम कर रहे हैं, पूरे तन और से, लेकिन हमारे पास जो फोर्स है, चाहे वो आपदा प्रबंधन की फोर्स हो या CRPF ITBP, वो लिमिटेड है। तो हम लोग या हम लोग एक हम के वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये जनता को समझना पड़ेगा, जब हम 50,000 क्रॉस कर चुके हैं आज की डेट में, 52,000 पर हम बैठे हैं, और ये भी आने में आ रहा है कि जून लास्ट तक और जुलाई शुरुआत तक हम महाराष्ट्र को, यानी दिल्ली जो है महाराष्ट्र को बीट कर देगी, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देगी कोरोना वायरस के केसों में। तो इस आशंका को देखते हो, क्योंकि जुलाई अगस्त में एक तरह से बहुत बड़ा विस्फोट भी होगा कोरोना वायरस की, ऐसा आशंका जताई जा रही डॉक्टरों के द्वारा, WHO के द्वारा, कि इसकी एक भयंकर स्थिति भी आएगी जिसमें मैन टू मैन ये जो है फैलेगा, यानी उसमें सिम्टम नहीं आएंगे। तो उस स्थिति को ना जाएं, पहले से ही हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, पहले से ही हम सब चीज़ें बिना मतलब ना घूमें, केवल एक व्यक्ति अगर ज़्यादा ज़रूरी है 3 दिन में एक बार मार्केट जाए और वो अपना काम, और अगर ड्यूटी वाले बिजनेसमैन हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग 70% लोग जो 80% लोग घरों में हैं, तो उनको घरों में ही रहना चाहिए। अच्छा सर, मैं कहूँगा जैसे 19 तारीख को राहुल गांधी जी का जन्मदिन था और आज 20 तारीख को भी शायद किसी आपके, हाँ मैं बताना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष हमारे मेरे साथी रहे हैं श्री अनिल चौधरी जी, दूसू का चुनाव लड़े, NSUI के अध्यक्ष भी रहे, वो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उनका आज जन्मदिन है। अनिल चौधरी जी भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आने वाले समय में कोरोना में उन्होंने बहुत घर घर जाकर के सैनिटाइजर बांटे हैं, फेस मास्क बांटे हैं, उन्हीं के आदेश पर, राहुल जी के आदेश पर हमने भी अपने वार्ड 44 में, रोशनपुरा में, नजफगढ़ में, मैंने भी 150 से लेकर 200 मजदूरों को खाने के पैकेट्स बांटे, फेस मास्क बांटे और सैनिटाइज कराई कॉलोनी। तो इसी तरह से वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी मैं उनकी भी दीर्घ आयु का वंदन करता हूँ, अच्छी लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। लाइक शेयर एंड कमेंट। To subscribe this channel, please press the bell icon.